अभी समझा आपको नया जन्म क्या है? हम हेलो पाप में से बाहर निकले, यस है ना? हाँ अभी यीशु मसीह को पूरा व्यवस्था का, मृत्यु का अधीन छोड़ दिया था, ठीक है? ओके है ना? इसराइल लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, लहू मेमने का रखते थे, उसके बाद परमेश्वर उसको स्वीकारता था, फिर बाद में पूरे साल भर इसराइल लोग निष्पाप ठहराए गए, निर्दोष ठहराए गए, ये हो जाता था। यानी जब तक परमेश्वर स्वीकारेगा नहीं तब तक उनका बलिदान करना व्यर्थ रहता था। तो वो बलिदान यीशु मसीह ने जब किया, उसको स्वीकारने तक यीशु मसीह शैतान के अधिकार और प्रधानताओं के नीचे था। समझ में आया? जहां पे शैतान का अधीनता में अधिकार और प्रधानताएं उसको कुछ भी किसी भी तरह से कैसे भी इस्तेमाल कर सकती थी। ओके? लेकिन वो समय में उसका लहू, यीशु मसीह का लहू पिता ने देखा, चेक किया, ठीक है, अर्पण स्वीकारा गया, तो अब उसने डिक्लेयर किया, अब मेरा क्रोध जगत के ऊपर से हट गया। समझ में आया? समझा। अब मेरा क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर नहीं है, ठीक है? अब मैं यीशु मसीह को बीज बोल के जगत के अंदर रखता हूँ, ठीक है? जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारेगा, ग्रहण करेगा, वो मेरा बीज है। जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा वो शैतान का बीज है। समझा? यस। जिसने यीशु मसीह की आवाज को सुना वो यीशु मसीह की भेड़ है, जिसने यीशु मसीह की आवाज को अनसुना किया वो शैतान की बकरी है। ओके? तो वो लोग नाश के लिए है। जगत में पापों की माफी आ गई है, लेकिन जिसके सुनने वाले कान है वो सुने, है ना? जो सुन सकता है कि यीशु मुझे बुला रहा है और मुझे यीशु का हो जाना है, जिसको सुनाई देगा वो ही सिर्फ परमेश्वर का भेड़ है, और जो नहीं सुन पाएगा वो शैतान का बकरी है। समझा? और परमेश्वर ने क्या बोला कि इकट्ठा करो, प्रभु यीशु ने बोला, बटोरो बटोरो, लोगों को बटोरो मेरे लिए, है ना? तो हम लोगों को क्या बोला, जाओ जगत भर दूर दूर तक जाओ और उनको बताओ कि मैंने जगत को जीत लिया है, डोंट वरी। ओके? क्यों? जगत के ऊपर किसकी प्रधानताएं रह रही थी, किसके अधिकार रह रहे थे? शैतान के। है ना? तो आपके ट्रबल्स, आपके नुकसान, आपकी असफलताएं, आपके जीवन के सारे जो विद्रोह बना देता है, सारा बिगड़ा हुआ माहौल बना देता है, दुष्टता रचा देता है, सब किसके कारण हो जाता है? यही अधिकार और प्रधानता है जो अंधकार की है, शैतान की। ओके? अब परमेश्वर कहता है जगत में क्लेश जरूर है, लेकिन डरो मत, जगत को मैंने जीत लिया है। है ना? तो क्लेश क्यों है? क्लेश इसीलिए है कि शैतान अपना ऑपोजिशन छोड़ता नहीं है, ठीक है? वो अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं है, लेकिन उसका पावर हम तोड़ सकते हैं। आमेन, आमेन। वो दुष्टता करना छोड़ता नहीं है, वो अभी भी लोगों के ब्लेसिंग्स को कुचलना चाहता है, वो अभी भी धार्मिकता के वस्त्र पहने वालों को बेइज्जत करना चाहता है। ओके? वो अभी भी सच्चाई में चलने वालों को झूठे बहकावे में लाके परमेश्वर से अलग करना चाहता है। उसको पता है कि परमेश्वर के हाथ से इनको कोई नहीं छुड़ा सकता है, लेकिन 5 मिनट के लिए तो वो पाप कर सकते हैं ना। समझ में आया? राइट। कम से कम 5 साल तो मैं इनको वेस्ट कर सकता हूँ ना, इनका टाइमिंग। समझा? यस। कम से कम आधे घंटे का बाइबल स्टडी तो इनका वेस्ट कर सकता हूँ ना मैं। समझ में आया? यस। ये सारा
उसको क्या फायदा कराता है। उसकी सेना उस समय में तुष्टता करके आ जाती है, परमेश्वर ने दिया हुआ ब्लेसिंग्स खत्म करके आ जाती है। समझ में आया? उस इंसान को बाद में छोड़ देंगे, आधा घंटा का बाइबल स्टडी का प्लान वेस्ट कर दिया, फिर छोड़ देंगे। अब आधे घंटे में जो उसका ब्लेसिंग्स था वो गया। समझा? वो ब्लेसिंग्स आपको लाइव ब्लेसिंग्स रहते हैं, परमेश्वर लाइव आपको कुछ देना चाहता है। ओके? वो खो दिए आपने, ठीक है? इसके लिए वो आपको भटकाता है, इसके लिए वो आपके जोर आने नहीं देता है। क्योंकि अगर ब्लेसिंग्स आ गए तो परमेश्वर का जोर आ गया, अगर परमेश्वर का जोर आ गया तो शैतान का काम खत्म हो गया, वो टेरिटरी वो जगह उसको खाली करना पड़ेगा। Right. समझ में आया? Yes, yes. और वो खाली नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उस जगह में ये अगर ब्लेसिंग्स ये बहुतायत आ गई और मुझे निकलना पड़ा तो ये एक इंसान नहीं यहाँ पे लाख इंसान बन जाएंगे परमेश्वर की सेवकाई में। समझ में आया? यस yes, यस yes. वो आप एक को पकड़ के आने वाले लाखों को दबाए रखा है। समझ में आया? यस yes. तो सोचो आप एक होके 1,000 के लिए काफी हो जाते हैं, okay, है ना? Yes. दो होके 10,000 के लिए, ठीक है? Yes. तो उसी तरह से शैतान को पता है, ये एक इंसान को मैं पावरलेस करके रखूं झूठ बोल बोल के, तो इसके कारण आने वाले 10,000 या 10,00,000 या 10,00,00,000 लोग पीछे रह जाएंगे और वो लोग मेरे विरोध में तैयार होके नहीं आ पाएंगे। समझा? Okay. वो अपनी दुष्टता को बचाए रखने के लिए धर्मियों के चाल चलन बिगाड़ देता है। ओके? अपनी दुष्टता वो इसीलिए बनाए रखना चाहता है ताकि इस पृथ्वी के ऊपर उसको जो चाहिए वही वो करता है, उतने लोगों को वो पकड़ के अपने कब्जे में लेके आ सके। okay. समझ में आया? यस yes. इसके लिए हमको बोला है जिसके ऊपर जुआ रखा हुआ है वो और दबाया ना जाए, क्योंकि वो पहले से दबा हुआ है। इसके लिए हम लोगों को उसके जुए को निकालने के लिए भेजा है। ओके? अंधकार की प्रधानताओं की गुलामी भारी बोझ है, एकदम मरण यातना के समान है। ओके? पाप के इंसान हमेशा मरणदायी यातनाओं के साथ चलते हैं, उनके अंदर 100% कहते हैं शांति नहीं है उनके अंदर। यस यस ओके? और उन लोगों को शैतान हमारे से कटवा के रखना चाहता है। ओके? हमारे कारण वो लोग प्रभु में आएंगे, ये शैतान को पता है। एक ये फैमिली के इंसान अगर प्रभु में आ गए, ठीक है, ये आया तो आया, इसको अभी आगे बढ़ने मत दो, क्योंकि इसके पीछे से इसका पूरा घराना आने वाला है, खत्म। फिर पूरा घराना या तो पूरा देश आ जाएगा, पूरा देश आ गया तो पूरा कंट्री के बाहर के सारे नेबरिंग कंट्रीज आ जाएंगे। समझ में आया? इसके लिए हम लोगों को प्रभु में बढ़ने के लिए शैतान अपोज करता है। यस ओके? और अगर ये सच्चाई हमको आज मालूम पड़ा तो हमने अपने अंदर से यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसने कहा इस शैतान को चुप करने का मेरे पास चाबी है, डोंट वरी। ओके? ये शैतान ने डाली हुई परेशानी को हटाने का मेरे पास रास्ता है, डोंट वरी। ओके? समझा? yes, yes. तो आपका हर दुख, हर कष्ट, हर मुसीबत, अगर आप मसीह में हैं और आपको दुख है, कष्ट है, आप धार्मिकता को पहने हुए हैं, उद्धार का टोप है, सुसमाचार के जूते पहने हैं, शांति के मेल के सुसमाचार के जूते पहने हैं, सच्चाई का कमरबंद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास की ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके द्वारा शैतान ने फेंके हुए जलते तीरों को हम बुझा सकते हैं, आत्मा की तलवार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके? और फिर दी एंड हो चुका है, पाप की व्यवस्था से आप बाहर आ चुके हैं, तो अब क्या है? अब सिर्फ उसका जोर है। वो जोर को कैसे शांत करना है? अन्य भाषा की प्रार्थना करो और प्रभु के वचनों में बढ़ते जाओ। आमेन आमेन। और वही आपको करने नहीं देता है शैतान। ओके? अन्य भाषा बोलने नहीं देता है और वचन पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि आप वो तरफ से जाएंगे
तो शैतान के बहुत सारे सेनाओं को वहां से हटना पड़ेगा, लोगों को छोड़ देना पड़ेगा, और उसके कब्जे में उसने पकड़ के रखा हुआ सब ब्लेसिंग्स भी छोड़ देना पड़ेगा। ओके, आपका जितना कुछ भी है सब आपको दे देना पड़ेगा। समझा? इतना कुछ उसका नुकसान है उसके पीछे। बहुत लोग उद्धार में आ जाएंगे आपके कारण, बहुत लोगों की आशीषें खुल जाएगी आपके कारण। ओके, बहुत लोगों को सच्चाई मालूम पड़ेगा, पापों की माफी हो जाएगी। तो शैतान के कब्जे में से आप निकाल रहे हैं सब कुछ, वो नहीं होने देना चाहता है। सिर्फ एक एक रास्ता है ये नहीं होने देने का, आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देना, दैट्स ऑल। समझ में आया? तो आपको प्रभु में बढ़ना बिल्कुल आपका क्या कहते हैं ना, आपका एम्बिशन होना चाहिए कि आपने बढ़ना है और उन्नति करते हुए चलना है, वचनों में उन्नति हो जाना है। जो पहले वचन की जानकारी थी उसके अंदर और ज्यादा वचन मालूम होना चाहिए, जितनी जानकारी अभी थी उससे और ज्यादा जानकारी हो जाना चाहिए, और वही आपके चाल चलन में भी आना है। ओके, और ये सब आप जब कर रहे हैं तो आप शैतान को हरा रहे हैं। समझा? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो शैतान जीत रहा है, ठीक है, वो आपका समय वेस्ट कर रहा है। ओके, तो आप अभी इसे याद रखो, आप कोई मेहरबानी नहीं करते हैं प्रार्थना करके, किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे। ओके, आप कुछ भी जो कर रहे हैं प्रभु के महिमा के लिए कर रहे। ओके, उसकी महिमा है, उसने कहा जो मेरे साथ बटोरता है वो मेरा है। ओके, और जो स्कैटर होने देता है, ओके, अगर कोई परेशानी है रहने दो, हमको क्या है, स्कैटर होने दे रहा है। ओके, अगर कोई ऐसा सोचता है कि बीमार है क्या करे, जाने दो अभी ऐसे ही रहेगा, वो स्कैटर कर रहे हैं। आपको वैसे ही रहने के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर ने द एंड दे दिया है उन बातों को, आपको उसे चेंज कर देना है। ओके, अगर आप चेंज नहीं कर रहे, उसकी परिस्थिति धार्मिकता में नहीं बदल रहे, अगर आप वो दुष्टता को खंडन नहीं कर रहे, तो आप परमेश्वर के विरोध में बैठ के आप आराम कर रहे हैं। ओके, और फिर आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे लिए काम कर, तो वो नाजायज हो जाता है, फिर इलीगल हो जाता है। तो परमेश्वर बोलेगा पहले तो वहां से उठ, मेरी तरफ में हो जा, पहले प्रार्थना करना शुरू कर, प्रार्थना करते करते धार्मिकता के चाल चलना शुरू कर। ओके, तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ, है ना? तो ऐसा है, इसके लिए आप ध्यान रखना है हमेशा कि आपकी तरफ से आप सीधाई के रास्ते में होना है, और आप सीधाई का कॉन्फिडेंस में चलना है, और शत्रु का जीत, मतलब शत्रु के ऊपर आपका जीत डिक्लेयर हो चुका है। शत्रु कितना भी तमाशा दिखाने दो, कितना भी, ओके, वो ओवर कॉन्फिडेंस बताने दो कि मैं ही जीता हूँ, मेरा ही है सब कुछ, फर्क नहीं पड़ता है। आपको वचन बोलना है, कुंजिया परमेश्वर के हाथ में चली गई है। ओके, मेरी जीत जहाँ कुंजिया है उसमें से आने वाली है, तू इंतजार कर हारने का। ओके, तेरा इंतजार हारने के लिए है, ठीक है, तो इंतजार कर, मेरी जीत निश्चित हो चुकी है, खत्म करो बात को। अब वो छटपटाएगा, वो उछल कूद करेगा, करने दो, डोंट वरी। ओके, लेकिन जीत आप ही की है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहता है कि सब कुंजियां अब मेरे पास है, डोंट वरी, ठीक है। तो उसको कैसे शांत करना है और किस समय करना है, वो भी प्रभु यीशु का निश्चित समय है, ठीक है, और वो शांत है ही है, करेगा ही करेगा 100%। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से ये रास्ते नहीं चले, तो आप परमेश्वर के विरोध में बैठते हैं। ओके, फिर आप नाम के लिए सिर्फ लेबल लगा है मसीह, काम के लिए आप सब विरोध में बैठ के कर रहे हैं। समझा? इसके लिए हमको अलगाव का जीवन है, इसके लिए हमको प्रार्थना का जीवन है, इसके लिए हमको पवित्रता का जीवन है, क्योंकि हमको उसके साथ बटोरना है लोगों को प्रभु में, ठीक है? ठीक है, प्रभु हमारे साथ रहे। आज का वचन सच में परमेश्वर आपका लाइफ में हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता दे दिया है, हर प्रॉब्लम, कोई भी रहे, चाहे कुछ भी रहे, नाम दो प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक ही रास्ता है, यस, प्रभु का वचन
और उसके शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाओ। अन्य भाषा बोल के उसके शक्ति के प्रभाव बढ़ जाता है और वचनों का हम ज्ञान बुद्धि समझ लेके उसमें चलने के कारण प्रभु में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यस यस। और वही हमारे जीत निश्चित कॉन्फिडेंटली हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ठीक है, और हम उन्नति के ऊपर उन्नति करते जाते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। और डेफिनेट 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 है कि हमको अपोज करने वाले हमारे साथ धार्मिकता के रास्ते चलने लगेंगे, हम उनके साथ अधर्म के रास्ते नहीं चलना है। ठीक है, हमने उनके साथ होके बाइबल रीडिंग नहीं छोड़ना है, हमने उनके साथ डर के मारे या गिल्ट फील करके या कुछ और कारण से हमने प्रार्थना नहीं छोड़ना है। ठीक है, उनका दबाव के नीचे हमने नहीं रहना है, वो अशुद्धता है, वो सच्चाई नहीं है। ओके, हम उनको खंडन करना है, हम खंडित नहीं होना है, हमने उनको रोकना है, वो हमको रोकने नहीं पाना है। राइट, ठीक है, ठीक है। नहीं तो वो अशुद्धता है, वो अपवित्र रास्ता है, अधर्म का रास्ता है, उनके दबाव में रहना अधर्म का रास्ता है वो। ठीक है, ठीक है। प्रार्थना करेंगे हम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने तेरे वचन को आज पिता हम पर प्रकट किया, प्रकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर पिता परमेश्वर तूने जीत का रास्ता सिखाया और पिता उस रास्ते में पिता परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तेरे स्वर्गदूत रिलीज करने की यीशु नासरी के नाम से हम विनती करते हैं। मेरे खुदा, हम आज आपसे विनती करते हैं, जो ऐसे शैतान के लोग खुदा परमेश्वर पास्टर्स बन के या कोई इवेंजलिस्ट बन के या कोई भी नाम के नीचे, लेबल्स के नीचे मसीही के रूप को धारण करके पिता छुपा हुआ ऐसा कोई भेड़िया है खुदा परमेश्वर, जो पिता तेरे पिता वचन का इस्तेमाल करके बहरूपीय के तरह परमेश्वर पिता अलग अलग तरह से परमेश्वर हमें अटैक करता होगा। अब फादर गॉड नासरी यीशु के नाम से पिता वो जो प्रधानताएं जो अधिकार को इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर हमको फंसा रहा है, आज नासरी यीशु के नाम से वो प्रधानताओं को अधिकारों को हम बांध देते हैं और वो कुंजिया मेरे यीशु मसीह के हाथों में है। उसका वचन रेवलेशन के 1:18 में लिखा हुआ हम उसे स्वीकारते हैं और हम परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से उन शक्तियों को आज्ञा करते हैं, नाकामयाब हो जा हमारे जीवन में से और पर्दाफाश हो जा सब लोगों के सामने और तू हथियार शैतान का तोड़ जा हमारे जीवन में से और निकल जा, डिपार्ट हो जा। तू हमारे जीवन में हमारे चेहरे को लेकर नहीं आ सकता है और ना ही किसी के जीवन में हमको हमारे चेहरे को हमारे इमेज को लेकर जा पाएगा। तू कोई चाल चलाकिया करके हमारे कोई चरित्र के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। तू भेष बदल कर हमारे जीवनों के अंदर कोई भी शैतान के हथियार तू काम नहीं कर पाएगा। आई कमांड यू, कम आउट ऑफ आवर लाइफ एंड गेट आउट ऑफ आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम तुझे आज्ञा करते हैं, हमने तुझे अगर बहरूपी तुझे पहचाना नहीं, अगर शायद से तू कोई पास्टर के भेष में या कोई प्रकार के प्रभु के दास के भेष में तूने एंट्री लिया है, हमारी अधीनता ली है, हमने तुझे स्वीकारा है, आई कमांड यू हमारे अंदर से हम तुझे रिजेक्ट करते हैं और आज्ञा करते गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे दायरे से बाहर निकल जा नासरी यीशु के नाम से, हमें छूना नहीं, हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ का अधिकार तेरे पास नहीं है। तुझे कितना भी महारथी रहे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हर प्रधानता हर अधिकार को रखता है और उसके पास वो कुंजिया है, मृत्यु के ऊपर चढ़ाई करने वाली कुंजिया है। हर पाप के व्यवस्था को पार किया गया प्रभु यीशु मसीह तुझे पनिश करता है आज यीशु नासरी के नाम से। तेरे कोई शक्तियां हमारे से कनेक्टेड नहीं रहेगी, कोई आत्माएं तेरी हमारे ड्रीम्स में नहीं आ सकेगी। तू हमारी इमेज को बनाने का हर षड्यंत्र मैं यीशु के नाम से खंडित करती हूँ। पवित्र यीशु के नाम से तूने ये उठाया हुआ प्लान स्ट्रेटेजी आई कमांड बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जहां कहीं पर भी तूने कुछ भी रचाया है आई कमांड आई कास्ट डाउन एवरीथिंग दैट इज हाईली लिफ्टेड अप इन योर थिंकिंग। प्रभु यीशु नासरी के नाम से जिसके ऊपर तूने भरोसा करके ये गंदे काम हमारे जीवन में तूने लेकर आया आई
कमान, वो ऊंची जगहों को हम गिरा देते हैं, ढा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। रीबा खातील रबहंत रखा सियान दुखम्बरा हस्सा। मेरे नासरी यीशु के उजियाले में हम हैं और हमारे सारे काम हम उघाड़े रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नासरी यीशु का उजियाला हमें शुद्ध और पवित्र करता है। जो कूड़ा और कचरा होकर हमारे जीवन में कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में है, वो उसे निकाल देता है, क्योंकि उसने पत्रस के लिए ऐसा कहा कि शैतान चाहता है कि वो तुझे मांग रहा है कि तुझे गेहूं के दाने के समान फटकारे, लेकिन मैंने प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना टूटे। और यही हमारा प्रभु यीशु आज हमारे लिए भी मौजूद है। शैतान के हर एक रूप, जो भी तू हमारे फ्रेंड्स के रूप में, रिश्तों के रूप में, कोई भी तरह से अगर हमारे घर में घुसपैठ करके आता जाता है, आई कमांड बी एक्सपोज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तेरे अधिकार और प्रधानताओं के ताकतों को हमारे ऊपर से हम तोड़ देते हैं नासरी यीशु के नाम से, और हम आजाद हो जाते हैं। आज के बाद तेरा और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम नासरी यीशु के ऊंचे उजियाले में है और उसके हाईली लिफ्टेड अप हर एक नामों से ऊंचे नाम को हमने अपने ऊपर अधिकार करने के लिए दे दिया है। हम वो प्रभु यीशु मसीह के नीचे अधीनगी में है और वो समर्पण में है कि जो प्रभु यीशु चाहता है कि हम वो करें, हम वो करने के लिए तैयार है। जो प्रभु यीशु हमारे जीवन में रखना चाहेगा वो रहे, जो नहीं रखना चाहे वो डिस्कनेक्ट हो जाए, नासरी यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए। कोई भी उजियाला का रूप धारण करके, कोई झूठे उजियाले के रूप को धारण करके, वो अंधेरे का एजेंट अगर हमारे लाइफ में कहीं पर भी है, आई कमांड 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 कम आउट ऑफ योर हाइडिंग प्लेसेस, तेरे छिपने के स्थानों से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, बाहर निकल निकल यीशु के नाम से। मैं तुझे एक्सपोज होने की आज्ञा करती हूँ, एक्सपोज हो जा। हमारे हर वो अधिकारी जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखे हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे अगुवे हैं, उनके पहचान में ये शक्तियां पकड़ ली जाए और वो हमारे जीवनों में से काट के अलग कर दी जाए। हमारे अगुवे इन सारे शक्तियों का हर जगह से हिसाब खत्म कर दे, नासरी यीशु के नाम से हम बोलते हैं। और ये इंसान जो भी अशुद्धता के काम करने के लिए इंतजार कर रहा है, आई कमांड उसके पहले एक्सपोज हो जा और तेरे अशुद्धता के काम हर सामने आ जाए, हर घड़ी हर पल सामने आ जाए और वो तुझे शर्मिंदगी से भर देंगे। हम उस काम के अंदर कोई हमारे हिस्से नहीं रखते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम पवित्र और धार्मिकता के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की योजना को ऊंचा करते हैं और परमेश्वर के रास्ते उजियाले के हैं। हमारे साथ परमेश्वर का रास्ता है। शैतान तेरे रास्ते हमारे अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे माइंड विल इमोशन के अंदर से, हमारे ब्रेन के अंदर से, हमारे सोचों के अंदर से कोई भी परमेश्वर के आत्मा के काम को बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने से कोई रोक नहीं पाया। शैतान तू हमको रोक नहीं सकता है, तेरे चलाकियां रोक नहीं पाएगी, तेरे षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे, तेरे षड्यंत्र महारथी रहे, तुझे हटा देना मेरे परमेश्वर को आ जाता है। कोई हाथ हथियार अभी तक ऐसा नहीं बना जो प्रभु यीशु को पार कर जाए। रबा खाती लबहा खसीवान जेल रबहासा, उसने लोहा बनाया है, लोहे को तोड़ने वाला बनाया है। हमारे शरीर प्राण आत्मा का पीछा करने वाला जो भी उजियाला, जो झूठा उजियाला है, वो एक्सपोज हो गया है और वो अभी इसी समय उन सारे हाथ हथियार को काट देते हैं नासरी यीशु के नाम से, उनके दम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से और उनके सारे कनेक्शंस के हर हिस्से बिगाड़ देते हैं। दोबारा वो उस चैनल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नासरी यीशु के लहू में हम आ जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द में नासरी यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं, हमारे घर परिवार पर नासरी यीशु का लहू लगा देते हैं, हम अपने ऊपर नासरी यीशु का लहू लेते हैं, हमारे जुबान के ऊपर नासरी यीशु का लहू रहे, हमारे आंखों के देखने के हर एक दृश्य नासरी यीशु के लहू से पार हो जाए और वह यीशु लहू के नीचे शुद्ध और पवित्र रहते हुए आगे चलता जाए और परमेश्वर को छोड़े बिना, परमेश्वर की योजना के साथ साथ
और परमेश्वर के धार्मिकता को याद रखते हुए जो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान किया हुआ काम है उसको स्मरण रखते हुए हम जीत के रास्ते होकर आगे निकल जाए। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं तेरे स्वर्गदूतों को आने वाले रास्तों में हमको दे, आने वाले समयों में हमको दे। हम इस इन उजियाले जो झूठे उजियाले हैं उसके कब्जे में से आजाद हो चुके हैं और अब मेरे खुदा परमेश्वर तूने हमारे जीवन को हमारे नियंत्रण में दिया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे धार्मिकता के साथ, पिता परमेश्वर तेरी पहचान में, पिता जो भी विरोध करते हुए हमारे विरोध में आता है खुदा परमेश्वर, कोई भी तरह से कोई भी प्रकार से मेरे खुदा उसे खंडन कर देना हमारा काम है। अब तेरी पहचान में बना रहना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को गले लगाते हैं, तेरी इच्छा को करना हम आनंद से स्वीकारते हैं और तेरे लिए परमेश्वर पिता बटोरते हुए चलने और पिता कभी भी तेरे काम को पिता परमेश्वर स्कैटर ना करते हुए हम आगे का लाइफ पिता तेरे हाथों में देते हैं, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं, सब महिमा तुझे देते हैं कि छुटकारा आनंद शांति केवल तुझ ही से मिलती है और वो हमारे जीवन में प्रवेश कर दिया है। थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन 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 आमेन। के साथ बात कराने के बाद भी वो डाउट कर सकता है, वो बोलेगा हो सकता है तूने झूठ ऐसा आवाज को मैचिंग करके मुझे फोन पे सुनाया होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आ गया तो कहाँ जाएगा वो, समझ में आया? यस, है ना, है ना। तो इस तरह से यीशु का है, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को या आपके ब्लेसिंग्स को आप बोल सकते हैं। ओके, शायद से वो नहीं मानता है, आप प्रार्थना लगा देना है, शायद से फिर भी नहीं मानता है तो जैसा शाउल को पौल बनाया, यीशु सामना किया, है ना, वैसा यीशु सामना करेगा जो मानता नहीं है आपका। समझ में आया? हाँ। और ये क्यों होगा ऐसा, उसका कारण है, क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, यानी उनको मनवाना मेरे बस की बात है। समझ में आया? yes. आपसे नहीं मनेंगे वो, ओके? लेकिन आपको रास्ता चलना है, आपको कमांड करना है, ओके? आपको हटाना है, आपने ट्राई करना है, हर वो परमेश्वर के पहचान में जो भी बनता है आपने करना है। लास्ट में क्या आ जाता है, यीशु खुद सामने आ जाएगा। समझ में आया? और फिर वहां पे मानना ही मानना है, क्योंकि वो एरिया ऑफ लाइफ का अधिकार किसके हाथ में है, यीशु के हाथ में है। ओके, अभी आप आपके मम्मी के अधिकार के नीचे हैं, आप कुछ भी हो गया तो आपको मम्मी का मानना ही पड़ेगा, है ना? अगर नहीं माना तो मम्मी को पता है कैसे मनवाना है, है ना, है ना? तो उनको पता है कैसे मनवाना है, ठीक है? तो आपको पता है छोटे बच्चे को कैसे मनवाना है, अगर जिद करेगा वो गलती करने का तो उसको कैसे मनवाना है कि जिद नहीं करना है, है ना? ये सारा चीज में आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए परमेश्वर ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। समझ में आया? आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, ठीक है? आप अपनी ओर से ट्राई कर सकते हैं, हाँ, आप अपनी ओर से बोल सकते हैं, ठीक है? आपको ये नहीं देखना है कोई सुनता है कि नहीं सुनता है मेरा, लेकिन आपके धार्मिकता की यही चाले है। समझ में आया? अगर ये चाले आप नहीं चलोगे तो आप धार्मिकता का जो आपका आर्मर है, हथियार है, वो आप नीचे रख दिए, ठीक है? ये धार्मिकता को पहनने का, ये हथियार चलाने का यही रास्ता है, ओके? आपने प्रेयर किया, आपने कमांड किया, आपने सफलताओं को मांगा, मतलब कमांड किया सफलता है मेरे लाइफ में प्रवेश करे, आपने कमांड किया मेरे ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में प्रवेश करे, सब कुछ हो गया और फिर आप वेट किए, फिर नेक्स्ट डे प्रेयर किया, फिर नेक्स्ट डे प्रेयर किया, करते गए
करते ही गए, आपको मैं आपको तो गारंटी बोलती हूँ कि आपको आपकी चीजें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं मिली तो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह खुद जाके सामना करेगा। समझ में आया? जो आपके ब्लेसिंग्स को छोड़ता नहीं है प्रभु यीशु खुद जाके सामना करेगा। समझ में आया? कितना कितना फ्रीडम है हमारे लिए, देखने को मिल रहा है आपको? ओके, यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि जो तुम्हारा अटकाया है, जो तुम्हारा अपोज कर रहा है, वो सबका जो शक्तियां है इसका सारा कंट्रोल मेरे पास है, आपको क्या चाहिए और? समझ में आया ना आपको? अभी एक बार देखो क्या लिखा है, आप एक बार देखो क्या लिखा है कोलोसियों के 2:15 में। અને રાજ્ય તથા અધિકારોને તોડી પાડીને વધસ તમે તેઓ પર જય મેળવીને તેઓને જાહેર કરી। એક મિનિટ રુક જાઓ, હા એક મિનિટ રુક જાઓ। અબે દેખો વહાં પે ક્યા લિખા હૈ કે ઓર ઉસને પ્રધાનતા ઓર અધિકારો કો અપને ઉપર સે ઉતાર કર, યાને યીશુ કે ઉપર યે અધિકાર નહીં ચઢેંગે અભી। સમજ મે આયા? રાઈટ, યીશુ સેફ સાઈડ મે હૈ અભી। ओके yes. उसके ही नीचे अगर हम रुके रहेंगे तो हम सेफ साइड में है। समझा? ओके अगर वहां से हम निकल कर अपने दिमाग चलाकर कुछ करना चाहेंगे तो हम अनसेफ है। समझा? यस yes, yes. उसके धार्मिकता के चाल चलन से ही हम सेफ है, उसकी मानते हुए हम सेफ है, क्योंकि अभी प्रधानता और अधिकार उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? yes. अगर उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं तो उसकी अगुवाई में चलने वाले को भी वो कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके हमारा अगुवा यीशु मसीह वो हमको छुड़ा के लाता है। समझ yes. में आया? yes. इसके लिए हम बंधन में पड़े रहना हमारी मर्जी है, जितने लंबे समय तक पड़े रहना है पड़े रहो। समझ में आया? क्योंकि यीशु yes. के अधीन अगर हम धार्मिकता के चाल चले, हम अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे, विश्वास का, आत्मा के तलवार का, सुसमाचार का, सच्चाई का, ओके उद्धार का, अगर हमने ये सारा ख्याल अपने अंदर इकट्ठा ले लिया, फिर वो बंधुआई नहीं रहती है। समझा? इसमें से एक भी ख्याल हमारे दिमाग से हमने छोड़ दिया तो वो बंधुआई का दम बढ़ जाता है। क्या बोलो? Yeah. आप क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं बोला मैंने तो। यस ऐसा बोला मैंने। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि आपका जीत का सीक्रेट कहाँ पर है? आपको क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हम गीत में हमेशा यही बोलते हैं कि शैतान हारा हुआ, यीशु जीता हुआ, है ना? यस yes. क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को पार किया, व्यवस्था को पार कर दिया। right. okay? yes. जो व्यवस्था और मृत्यु था वो पाप का व्यवस्था था और पाप का दंड मृत्यु था। ठीक है? right. और वो कहाँ पे था? उत्पत्ति के, जाओ वहां पे, उत्पत्ति के 2 अध्याय में। પણ ભલું ભૂંડું જાણવાના વૃક્ષ નું તારે ખાવું નહીં, કેમ કે જે દિવસે તું ખાશે તે જ દિવસે તું મરતે જ મરશે। તો મૃત્યુ કા અવસ્થા કહાં સે શરૂ હો ગયા? જહાં પર અનાજ્ઞાકારિતા આ ગયા। રાઈટ, ઓકે, જહાં પર ભલે બુરે જ્ઞાન કા ફલ ખાયા ગયા, मृत्यु की अवस्था शुरू हो गई। ठीक है, अब मृत्यु की अवस्था का शुरुआत किसने करवाया था? शैतान ने करवाया था, है ना? आदम हवा को मृत्यु की अवस्था में पहुंचा दिया था, उन्होंने सिर्फ फॉलो किया, चले गए उसके पीछे। ओके, उसने सोच दिया, वो चले गए,
और वो सोच के अनुसार उन्होंने वो फल खा लिया, मृत्यु के अवस्था में चले गए। ठीक है, अब मृत्यु की अवस्था में चले गए हैं तो उनका मृत्यु होना तो जरूरी है ना। यस यस, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। ओके, उसने ही बोला कि मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे, है ना। तो अभी आदम और हवा का निश्चित मरना तो बिल्कुल जायज है, उसको वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। समझ में आया? राइट। हाँ, तो उस जगह में कौन गया? हम मनुष्यों के खातिर यीशु मसीह गया, निश्चित मृत्यु में चला गया वो। समझ में आया? समझा। निश्चित मृत्यु में हो गया, वो खत्म हो गया। अब परमेश्वर ऐसा कहते हैं ना कि परमेश्वर ने दी एंड रखा था, दी एंड होने के बाद ही दी न्यू बिगनिंग आ सकता है, है ना। बराबर है। तो परमेश्वर दी एंड के पहले न्यू बिगनिंग नहीं कर सकता है। जब तक दी एंड नहीं होगा, परमेश्वर न्यू बिगनिंग करेगा ही नहीं। ओके, उसने अपने आप को वाचा में रखा है वैसा। ओके, अब आप देखो यहाँ पे वो दी एंड करने के लिए मनुष्यों के बदले में परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा पवित्र नहीं जो इस काम को पूरा कर सके, सब ने पाप किया है। ओके, और परमेश्वर को बलिदान का मेमना जो चाहिए था वो इसराइल के लिए चाहिए था, क्योंकि उनको व्यवस्था दिया था, उनको व्यवस्था दिया था पाप का व्यवस्था, है ना। Yes. और उसके बाद मृत्यु, पाप की व्यवस्था से मृत्यु है ना, उसमें से जीवन नहीं आता है। ठीक right. है yes. तो पाप की व्यवस्था के लिए ही हर साल इसराइल लोग बलि चढ़ाते थे। ओके okay? और yes. वो भी पवित्र मेमना ही चढ़ाना पड़ता था उनको, और वो भी पहलौठा चढ़ाना पड़ता था, पवित्र, निष्कलंक और पहलौठा मेमना बलिदान किया जाता था उसका लहू। और तभी इसराइल लोग पूरे साल भर परमेश्वर के सामने पवित्र माना जाते थे। यस ओके, बिना पाप वाले, पवित्र यानी बिना पाप वाले, ऐसे माने जाते थे वो। ओके, यही पे इसराइल के लिए कहा गया कि यीशु मसीह पाप का बलिदान का मेमना होकर आया। ठीक है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा? वो जगत भर के लिए पाप को लेकर जाने के लिए आ गया। समझ में आया? यस यस ओके, वो पाप के बलिदान का मेमना जरूर है, लेकिन जगत के पाप हरण करने वाला, इसराइलियों के लिए नहीं बोला उसने, उसने बोला जगत के पाप हरण करने वाला मेमना यीशु मसीह है ना। तो अभी इसराइल बाकी नहीं रहा, पूरे जगत भर का पाप के बदले में परमेश्वर का व्यवस्था है कि पवित्र जन लहू बहाना है। ओके यस, वो एरिया ऑफ लाइफ, पवित्र जन यीशु मसीह आया, उसने बलिदान किया लहू को, और फिर वहां पाप का व्यवस्था, मृत्यु है, वो मृत्यु के अंदर गया, पाप का बलिदान हो गया, खत्म हुआ, अब उसमें से न्यू बिगनिंग शुरू हो गया रेजोरेक्शन के बाद। समझ में आया? यस ओके, वो बलिदान जब इसराइल लोग चढ़ाते थे, परमेश्वर ने उनको स्वीकारना है। ठीक है, जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया, उसके बाद परमेश्वर उसको स्वीकार रहा था, वो टाइमिंग में वो शैतान के अधिकार और प्रधानताओं के नीचे थे। समझ में आया? yes. तब तक वो जिद करके शैतान के विरोध खड़े नहीं हो पा रहे। ओके okay? क्योंकि वो पाप में गिनती कर दिए गए थे, और पाप में गिनती किए हुए वो शैतान के कब्जे में चले गए, और उस कब्जे के नीचे अब शैतान उनसे कुछ भी करवा सकता था। ओके okay? yes. जैसा उसने कहा था, तू मुझे नमन कर तो मैं तुझे ये सब ऐश्वर्य दूंगा जो जगत भर दिख रहा है तुझे, है ना। लेकिन यीशु ने कहा परमेश्वर के अलावा मैं किसी को नमन नहीं करूंगा। ओके, तो इस तरह से शैतान अभी बोलता है, अब तो तू आ गया ना नरक में, तो अब तू मेरा, मुझे दंडवत तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अवस्था जो है ये मेरे कब्जे में है,
मैं जिसको चाहूं उसको इस कब्जे में ला सकता हूं। समझ में आया? क्योंकि सारे मनुष्य ने पाप किया हुआ है, अब सारा मनुष्य मेरे कब्जे में है और मेरे कब्जे में वो है, तो मेरा मैं उसको मृत्यु में लेके आऊंगा, और मृत्यु में लेके आने के बाद में जो मैं बोलूंगा वही उनको सुनना पड़ेगा। तो अब यीशु उसके वश में चला गया है, अब उसको यीशु को शैतान का सुनना है, इस तरह से उसको उस जगह में रुकना पड़ा था। समझा? समझा। यहाँ पे परमेश्वर को वो यीशु बोलता है मरियम को, रुक जा, तू मुझे छू मत, क्योंकि अभी तक मैं लहू को लेकर गया नहीं हूँ पिता के पास। यस, है ना? तो मुझे जाने दे, मुझे छू मत, है ना? यस। तो ये एरिया ऑफ लाइफ में यीशु का लहू चला गया। उसने क्या बोला? हे परमेश्वर, मैं अपने आत्मा को सौंप देता हूँ, है ना? यस यस। उसने अपने आत्मा को छोड़ दिया, सौंप दिया, है ना? हाँ। तो अब शरीर से वो मर गया, उसको कब्र में रखा, उसका आत्मा परमेश्वर के हाथों में चला गया, ठीक है? अब उसका प्राण छल हो रहा है। कहाँ पे छल हो रहा है? शैतान के कब्जे में। ओके? वहां से पवित्र आत्मा ने आके उसको बाहर निकाला, ठीक है? जब उसको बाहर निकाला तो वो बाहर निकाला जा सकता है, या असंभव बात को परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था खत्म हो गया ये बताने के लिए यीशु मसीह को उस अवस्था से बाहर निकालना पड़ा उसको। समझ में आया? यानी मृत्यु की अवस्था अब खत्म हो चुकी है, द एंड लग चुका है, अभी न्यू बिगनिंग शुरू हो रहा है। तो वो रेजरेक्शन से शुरू हो गया, पुनरुत्थान से शुरू हो गया। जो पहला यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, अब हम उसके पीछे पुनरुत्थान होने वाले हैं। यस। समझ में आया? तो इस तरह से परमेश्वर ने मृत्यु और पाप की व्यवस्था को बंद कर दिया है, दी एंड लगा दिया है। ओके? अब पाप की व्यवस्था रख के मृत्यु और पाप की व्यवस्था के बीच में हम लोग नहीं है, इस जगत भर में कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु ने बलिदान चढ़ा दिया है। ओके? अब पाप व्यवस्था शैतान के अधिकार और प्रधानताएं चलाती है, वो व्यवस्था के अधीन में अब हम नहीं है। जिसके लिए यीशु टूट गया, उसको परमेश्वर ने खुद दी एंड देके यीशु मसीह को बोला, तूने काम पूरा कर दिया। ओके? व्यवस्था खत्म हो गई, और जो मैंने बोला था मृत्यु, उसको भी तूने चख लिया। उसके बाद अब कुछ नहीं रहा है तुझे वहां पे रुकने का, अब मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? तुझे नई उत्पत्ति बना के बाहर लाऊंगा। समझ में आया? और परमेश्वर का